लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। किसी देश का राजा हमेशा आलीशान घर और शानदार लाइफस्टाइल से पहचाना जाता है। देखा जाए तो ये लाजमी भी है, क्योंकि एक राजा बेशकीमती सामान, बेशुमार धन दौलत और कई सारे नौकर चाकर से घिरा रहता है। उन्हें कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसा हर राजा के साथ नहीं होता तो आपको शायद ये बात मजाक ही लगेगी। ये बात सच है। हाल ही सोशल मीडिया साइट पर भूटान के राजा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में भूटान नरेश जिग्मे वांगचो खुद खाना पकाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर शेयर की गई इन तस्वीरों में जिग्मे किसी आलीशान रसोई घर में नहीं बल्कि एक सामान्य सी जगह पर खाना बना रहे हैं। भूटान में उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां के लोगों द्वारा उन्हें ड्रैगन किंग कहकर पुकारा जाता है। शेयर की गई इन दिलचस्प तस्वीरों में जिग्मे मोगार के कम्युनिटी स्कूल के बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। वो प्याज और मिर्च को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से जमीनी तौर पर जुड़े हुए जिग्मे के दयालु स्वभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर 1,08,000 पेड़ लगवाए थे। उनके इस काम ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। भूटान नरेश जिग्मे शाही परिवार से जुड़े लोगों और उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आधुनिक युग में लोग दौलत और पोजीशन के नशे में इतने खो चुके हैं कि उन्हें समाज और लोगों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है।